चंडीगढ़ के सेक्टर 38 डड्डू माजरा कॉलोनी में एक बार फिर से गुंडागर्दी देखने को मिली। सीसीटीवी में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि करीब 20 से 25 जो लड़के हैं वो हाथों में हथियार लेकर तेजधार चीजें लेकर वो एक युवक के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि कोई छोटी सी बहस के बाद ये उसके पीछे लड़ाई हुई है जिसके चोटें लगी हैं, काफी चोटें आई हैं, हाथ में काफी गंडासी जो है वो जी, पैर में काफी, बॉडी में काफी चोटें हैं। अंकुश हमारे साथ है। अंकुश, जो सीसीटीवी में भी दिख रहा है, हुआ क्या था, कितने होली वाले दिन की ये बात है? ये होली वाले दिन हम गए थे, वैसे ही घूम रहे थे, तो फिर ना उसने पहले गाली थी, तो वैसे बस छोटी सी बहस हुई थी, तो फिर वहां से हम आगे थे, तो फिर वो 15-20 मिनट बाद आए, तो यहाँ से पूरी मतलब कम से कम 40 से 50 लड़के थे वो सब। अच्छा। तो फिर वो आए, उन्होंने पथराव किया घर पे भी, किसी के कैमरे तोड़ दिए, किसी के यहाँ पर, हम जहाँ पर हम बैट बॉल खेलते हैं यहाँ पर भी उन्होंने उधर तक मारी इट्टे मंदिर पे, ठीक है। तो फिर उस दिन हम कोई मिले नहीं, घर घर चले गए थे हम। तो फिर वो आए थे परसों रात, ठीक है, मैं अपने घर के नीचे था, तो यहाँ पर आए थे वो, यहाँ से फिर वो उन्होंने मेरा नाम लिया, अंकुश आया, वो खड़ा, भागो भागो मारो इसको, ऐसे ऐसे वो मेरे पीछे तक भाग गए, तो मैं अपने बचाव के लिए मैं भाग गया, ठीक है। हाँ जी, तो मैं वहां से भागा, तो मैं आगे रोड के वहां पर जाके मैं गिर गया, 25 को, हाँ वहां पर मैं गिर गया, तो मेरा उन्होंने फिर मेरे को मारा, वो सीसीटीवी मेरे पास है। क्या था उनके हाथों में? तलवार, इतने बड़े बड़े चक्कू, गंडासी, बहुत कुछ था, काफी कुछ। हाँ जी, तो कोई पुरानी रंजिश है या सिर्फ कुछ नहीं, कुछ बात नहीं है, कुछ भी। वो लड़के यहीं के हैं या बाहर? हाँ जी, इधर के ही हैं। इधर के? हाँ जी। तो कोई पुरानी रंजिश तो होगी? पुरानी रंजिश कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी। तो होली वाले दिन किस बात में बहस हुई थी कोई? बस कुछ बात नहीं, वैसे ही जा रहा था, उसने दे दी, मैंने दे दी, बस थोड़ी बहुत बहस हुई थी बस। अच्छा। उसके बाद वो फिर आगे थे। आप माता है? हाँ जी। आपको पता चला तो फिर आप हॉस्पिटल वगैरह ले? हाँ जी पता। तो लड़की वगैरह कौन है, कुछ जानकारी? ये हम नहीं जानते। अच्छा। सैंसी और बाजीगर दोनों इकट्ठे मिक्स है वो, ठीक है, मिक्स। हाँ जी, हाँ जी। तो जब ये हमला हुआ आप घर पे ही थे, आपने देखा था उन लड़कों को जो आए? हाँ जी, देखा नहीं था, मैं अंदर थी कमरे में। अच्छा। हाँ जी, मैं जब पता लगा फिर मैं बाहर आई थी भाग के, ठीक है। उसका हाथ खून से, मतलब हमारे पौड़ियों के बाहर पूरा भर घर भरा हुआ था खून से। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। तो कुछ पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस पहुंची थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहुंची। अब क्या कार्रवाई की? अब देखते हैं, उन्होंने बोला है कि बुलाएंगे। हाँ जी, वो बुलाएंगे फिर। तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ इसमें? हाँ जी, कुछ अरेस्ट हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, तो यानी कि कोई धमकियां वगैरह इस तरह? नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया ऐसे। अच्छा। हाँ जी, जानते हो वैसे उन लोगों? जो पहले ही कंप्लेंट की थी होली वाले दिन की, उस टाइम पे हमने 5 कंप्लेंट की है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। हाँ जी, पुलिस ने? हाँ जी, ठीक है। क्या कंप्लेंट थी? गाली के लोग, यही मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है, हमारे ईंट पत्थर बरसे, हथियार लेके आए हुए लड़के को मारने के लिए, ठीक है। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं नहीं, बताया। हाँ जी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो जिस तरह से पारिवारिक मेंबरों ने बताया कि काफी जो है वो नुकीली चीजों से इनके ऊपर वार किया, हालांकि अभी तक कोई इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, हालांकि मामला जरूर कहा गया है कि दर्ज हो रहा है, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन गुंडागर्दी जरूर, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की गुंडागर्दी जरूर देखने को मिली, और सीसीटीवी में देख सकते हैं कि किस तरह से कई जो यहां पर करीब दर्जन से भी ज्यादा जो वहां पर लड़के थे जिनके हाथों में नुकीली चीज थी या क्या चीज थी, डंडे थे, वो लेकर जो है वार करते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।